तो हेलो गाइज तो हमने पिछले वीडियो में अल्कोहल के सारे मतलब सब कुछ हमने पढ़ लिया था इथाइल अल्कोहल पढ़ लिया था और उसकी वैराइटीज़ देख ली थी सबके यूजेस प्रिपरेशन सब कुछ हमने देख लिया था अब मेनली जो जिसमें डिफ़िकल्टी आती है वो होता है प्रूफ स्पिरिट तो मैं इसको भी डिटेल में करवा दूंगी कि आपको डिफ़िकल्टी ना आए ना आए एग्ज़ाम्स में ठीक है तो प्रूफ स्पिरिट अब सबकी हमने परसेंटेज देखी थी आपको याद हो तो जैसे एब्सोल्यूट अल्कोहल में कितनी थी हंड्रेड और स्ट्रांग एल्कोहल में नाइन्टी इसके अंदर कितनी थी में में डिस्पेंसिंग और की मैंने बोला था कि हम नेक्स्ट में कर, करेंगे ठीक है तो अब इसको समझते हैं कि क्या है तो सबसे पहले प्रूफ स्पर तो है परसेंटेज वो होता है फोर्टी नाइन पॉइंट टू एट परसेंट ठीक है तो कितना होता है फोर्टी टू एट परसेंट ठीक है अब डेफिनेशन क्या है प्रूफ की पहले मैं प्रूफ स्पिरिट करवा रही हूँ उसके बाद मैं रेक्टिफाइड स्पिरिट के सारे दूंगी आपको

उसका मिक्सचर हो तो ये ये दोनों जब इक्वल हो जाते हैं तब उस मिक्सचर को हम प्रूफ स्पिरिट कहते हैं ठीक है और ये किसी डिग्री पे किसी टेम्परेचर पे देखा जाता है तो इस टेम्परेचर पे देखा जाता है फिफ्टी वन डिग्री फेरनाइट पे ठीक है अब जो ये प्रूफ स्पिरिट होता है ना वो दो डिग्रीज का होता है या मतलब दो टाइप का होता है आप कह सकते हो एक होता है ओवर प्रूफ एक होता है अंडर प्रूफ अब ओवर प्रूफ आपको पता चल रहा है इसमें क्या होता है ना प्लस मतलब इसमें कुछ ऐड होएगा और इसमें माइनस करेंगे तो क्या होता है जब भी स्पिरिट स्पिर स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टू डिग्रीज सबसे पहले हम ओवर प्रूफ कर लेते हैं ठीक है एल्कोहल विच इज स्ट्रांगर दैन प्रूफ स्पिरिट अब जो भी अल्कोहल प्रूफ स्पिरिट से ज़्यादा स्ट्रोंग है उसको हम प्रूफ ओवर प्रूफ कहते हैं और जो उससे कम है अल्कोहल विच इज़ वीकर देन प्रूफ स्पिरिट उसको हम अंडर प्रूफ कहते हैं ठीक है इसलिए इसको प्लस साइनस से डिनोट भी करते हैं या ओ पी लिखते हैं इसको माइनस साइन या यूपी लिखते हैं ठीक है अब मेनली क्या होता है ना Uh, पे एग्जाम्स में ना पूछते हैं कि कितना कितना क्या है मतलब प्रूफ आपको ओवर प्रूफ दे, दे देंगे उसका परसेंटेज निकालो कितना उसमें अल्कोहल है या आपको परसेंटेज दे, दे देंगे आपको बोलेंगे कि उसका बताओ कि वो कितना ओपी है या यूपी है ठीक है तो मेनली आप एक चीज़ समझ लेना कभी भी अगर आपको ऐसे दे कि कोई भी चीज़ है वो टेन डिग्री ओ है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ओ मतलब ओवर प्रूफ मतलब ये जो है हम इसको ऐसे लिखेंगे ये हंड्रेड वॉल्यूम है मतलब हमेशा ना हम हंड्रेड वॉल्यूम को ना हंड्रेड वॉल्यूम को हम एक फिक्स मान लेंगे ठीक है तो हंड्रेड वॉल्यूम को हमने फिक्स मान लिया कि इतना प्रूफ स्पिरिट uh, है हमारा पीएस ठीक है इतना पीएस है हमारा अब हमें दिया है कि टेन डिग्री टेन डिग्री ओपी है मतलब ओपी मतलब प्लस ओवर ओवर प्रूफ है ठीक है तो ये ओपी मतलब क्या होता है जो पीएस से ज्यादा हो मतलब वेट में ठीक है तो अब ये आपको क्या करना होगा अगर इसका आपको निकालना है कि कितना वॉल्यूम में प्रूफ स्पिरिट का है तो आपको क्या करना होगा सिंपली जितना भी आपको ओ दिया आपको बस देखना है अगर ओपी है तो आपको इसमें ऐड कर देना है हंड्रेड और अगर ये यूपी है तो आपको इसमें माइनस कर देना है 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 अब देखो डिग्री डिग्री तो 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 इसमें 100 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 110, है ना मतलब तो मतलब इसका मतलब यह है कि हम वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्पिरिट लेंगे तब वो 10 op के इक्वल होगा इसका मतलब यह है 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 ठीक जैसे मैंने पे लिखा डिग्री किसके इक्वल हो रहा है? 110 वैसे, 30 op किसका होगा? आपको बस हंड्रेड ऐड करना है. तो 130 प्रूफ स्पिरिट वैसे अगर मैं 60 डिग्री ओ बताऊं कि आपको मैं पूछूंगी 60 डिग्री ओ आई थिंक ये दिख नहीं रहा है पेन अ ठीक है तो 60 डिग्री ओ पी कितना आ, कितना वॉल्यूम होगा प्रूफ स्पिरिट के मतलब हमें एक तरीके से प्रूफ स्पिरिट और ओ या यूपी में रिलेशंस बताने होते हैं तो आपको क्या करना है इसमें भी सिंपली क्या करना है 60 प्लस हंड्रेड तो जितना भी आपका आंसर आएगा उतना वॉल्यूम है वो प्रूफ स्पिरिट का तो कितना आएगा वन सिक्सटी तो इसलिए जो सिक्सटी पी है सिक्सटी डिग्री ओ पी वो वन सिक्सटी वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्पिरिट के इक्वल है ठीक है वैसे ही सिमिलरली यूपी आपको जैसे इसमें हमने ऐड किया है वैसे इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगर सपोज टेन डिग्री यूपी है तो वो कितना किसके इक्वल होगा माइनस नाइनटी डिग्री वॉल्यूम ऑफ पी एस वैसे 30 डिग्री यूपी है तो वो किसके इक्वल होगा माइनस सेवेंटी डिग्री ऑफ पी एस सिक्सटी डिग्री ओपी है तो वो किसके इक्वल होगा 40 डिग्री वॉल्यूम ऑफ पी एस माइनस का साइन आगे आएगा क्योंकि हम सप्रैक्ट करते हैं जब भी हम बड़े में से छोटे को छोटे में से बड़े को सप्रैक्ट करते हैं तो माइनस आता है तो दैट्स इधर उसके अलावा कुछ और कन्वर्जन जैसे मैंने आपको बताया कि आपको परसेंटेज को ओपी या यूपी में कन्वर्ट करने के लिए भी आ सकता है जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया नाइनटी परसेंट को चेंज करो नाइन्टी परसेंट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इस इसको चेंज करो उसकी प्रूफ स्ट्रेंथ में तो आपको इसको प्रूफ स्ट्रेंथ में बताना है. तो इसमें आपको सिंपली एक आप फैक्टर याद कर लो तो ये फैक्टर है 1.75 तो कभी भी कोई परसेंटेज हो ना तो उसको सिंपली आपको 90 से सिंपली तो आपको 1.75 से मल्टीप्लाई कर देना है ठीक है तो कोई भी परसेंटेज में कोई भी चीज आपको दी हो उसको 1.75 के फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर देना है ठीक है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको उसको माइनस कर देना है हंड्रेड के साथ तो जब आप माइनस करोगे हंड्रेड के साथ तो आपको जो वैल्यू मिलेगी अगर वो पॉजिटिव होती है जैसे इन इस केस में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगी मतलब ओवर प्रूफ है तो वो आप बस ये लिखोगे फिफ्टी और आगे लगा दोगे ओपी ठीक है सिमिलरली अगर वो नेगेटिव आती है या आप प्लस भी लिख सकते हो जैसे यहाँ पे प्लस लिखा है या ओ पी ठीक है आप दोनों में से कुछ भी कंसिडर कर सकते हो उसके अलावा एक और मैं जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ ये हुआ कि परसेंटेज से हमने उसको बना दिया ओ पी या यूपी में हमने उसको बता दिया अब एक और होता है उसमें क्या करते हैं हम प्रूफ स्ट्रेंथ को हम परसेंटेज में देते हैं जैसे आपको कभी किसी ने ओपी में कुछ दे दिया जैसे आपको बोला थर्टी डिग्री ओ पी है या सिक्सटी डिग्री ओ पी है ओ पी इज ओवर प्रूफ ठीक है या यूपी है तो आप उसको चेंज करो तो आप

डिग्री ओपी है ठीक है अब इसमें हाँ ओपी इसमें प्लस और माइनस इसमें तो माइनस ही करना है हर टाइम लेकिन इसमें अगर ओपी है ओपी मतलब ओवर प्रूफ तो अगर ओ पी है तो हम प्लस हंड्रेड डालेंगे अपॉन वन पॉइंट फाइव और अगर ये सिक्सटी डिग्री यूपी होता तो यहां पे इसको हमें चेंज करना होता तो यूपी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना माइनस सिक्सटी तो आप इसको माइनस सिक्सटी प्लस हंड्रेड अपॉन 1.75 के फैक्टर से डिवाइड करोगे जो भी आंसर आएगा वो उसका परसेंटेज में आ, उसकी स्ट्रेंथ बताएगा ठीक है तो ये था ओपी और यूपी का कॉन्सेप्ट आप बस ये देख लेना किस में मल्टीप्लाई करना होता है किस में डिवाइड करना होता है और उसके बाद अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो आपको ओपी समझना है उसको और अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो यूपी समझना है तो ये था बहुत ही ईजी कैलकुलेशन उसके अलावा हम आते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट पर अब जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है वो क्या है पहले ये समझना है रेक्टिफाइड स्पिरिट सबसे पहले ये 91.29 परसेंट होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमने सबकी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देखी थी ना वैसे ही सबकी हमें इसमें भी देखनी है इसकी कितनी थी अगर आपको याद होगा इसकी हमारी कितनी थी 49.28 नाइन पॉइंट टू एट डिस्पेंसिंग uh, की कितनी होती है एटी एट होती है ना एटी एट परसेंट वैसे डाइल्यूट की कितनी थी सिक्सटी थ्री थी और सिक्सटी पॉइंट सिक्स थी उसके अलावा सेवन पार्ट्स और थ्री पार्ट मतलब बी uh, ने मतलब बी ने बोला था सबके अकॉर्डिंगली अलग अलग थी वैसे ही हमें सबका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पता होना चाहिए तो यहाँ फोर्टी यहां पे कितनी है 91.29 परसेंट किसकी है 60 डिग्री ओपी की रेक्टिफाइड स्पिरिट भी 60 अब आपको ओपी का मतलब पता चल गया होगा 60 डिग्री ओपी का मतलब क्या है कि ये ओवर प्रूफ है प्रूफ स्पिरिट का प्रूफ स्पिरिट क्या है आपको मतलब सब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओपी क्या है ओपी आपको समझ आ गया कि ये क्या है हंड्रेड प्लस है पीएस के पी क्या है प्रूफ स्पिरिट अब पीएस क्या है पीएस हमने पीछे पढ़ा पीएस बहुत ही सिंपल है वो है कि अगर हम अल्कोहल और प्यूरिफाइड वाटर को मिक्स करें और ऐसे रेशियो में मिक्स करें कि वो ट्वेल्व बाई थर्टीन प्योरीफाइड वाटर के इक्वल आ जाए यहां मैंने बताया था ना बाय वेट और इस टेम्परेचर पे तो उसको कहते हैं प्रूफ स्पिरिट ठीक है तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि रेक्टिफाइड स्पिरिट 60 डिग्री ओपी है इसका मतलब क्या है मतलब प्रूफ स्पिरिट आप समझे वही अब प्रूफवेट समझ गए प्रूफ स्वेट के दो टाइप हो गए ओपी और यूपी वाले अब ओपी क्या है मतलब प्लस हंड्रेड हमने प्रूफ स्पिरिट का वॉल्यूम किया तो उसको हम ओपी कहेंगे मतलब कोई भी अल्कोहल जो प्रूफ स्पिरिट से बड़ा है मतलब ज्यादा है और जो भी अल्कोहल जो अंडर प्रूफ है या मतलब अल्कोहल जो प्रूफ स्पिरिट से कम है तो ये दोनों समझ गए अब ऐसा प्रूफ स्पिरिट या ऐसा प्रूफ स्पिरिट जो कि सिक्सटी डिग्री ओपी है उसको रेक्टिफाइड स्पिरिट सिक्सटी डिग्री ओपी कहते हैं अब उसी के एक और टाइप होगा फोर्टी डिग्री ओपी एक और होगा ट्वेंटी डिग्री ओपी तो आपको ओवर प्रूफ में तीन और टाइप

एड किया है ठीक है तो ये कितना बन गया था 160 सिक्सटी वॉल्यूम यहाँ पे सेम चीज नहीं लग रही आपको यहाँ पे भी हमने 100 वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल लिया और इसको ऐसे हमने इसको डाइल्यूट किया है वाटर के साथ कि ये 160 सिक्सटी वॉल्यूम प्रूफ स्पिरिट का बन जाए ठीक है तो ये होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट की टू डेफिनेशन अब इसको अगर बनाना हो ये तो हमने थ्योरटिकली बोल दिया कि इसका क्या मतलब है पर अगर हम इसको बनाना है प्रिपरेशन करना है तो इसमें क्या करते हैं थ्री सेवेंटी हम प्योरफाइड वाटर लेते हैं और थाउजेंड एम हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग एल्कोहल ठीक है उसको मिलाते हैं तो बन जाता है हमारे रेक्टिफाइड स्पेड सिक्सटी डिग्री ओपी का ठीक है अब इसके यूजेस क्या है यू ये मेनली यूज होता है फॉर पोटेंटाइजेशन ऑफ मेडिसिन फॉर सेंटिसमल स्केल और फॉर क्लेंजिंग ऑफ यूटेंसिल्स ठीक है अब एक और चीज़ है आपको याद होगा डिस्पेंसिंग एल्कोहल क्या था डिस्पेंसिंग एल्कोहल कोई भी एल्कोहल जो हम यूज़ करते हैं अपनी मेडिसिन को डिस्पेंस करने के लिए और बहुत ईजिली ये ग्लोब्यूल्स को मेडिकेट करने में हेल्प करता था है ना और इसकी डिस्पेंसिंग एल्कोहल की कितनी थी परसेंटेज एटी एट थी ये एटी भी थी है ना तो वो जो डिस्पेंसिंग एल्कोहल था ना ये उससे थ्री पॉइंट होता है ये एक बात है आप इसको समझ लेना याद कर लेना ठीक है उसके बाद रेक्टिफाइड स्पेट 40 डिग्री ओपी ये भी सिमिलर है ये क्या होगा ये हमें इसको ऐसे वॉल्यूम को अल्कोहल को ऐसे प्योरीफाइड वाटर के साथ ऐसे डाइल्यूट करना है कि अब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो मतलब जो उसका वॉल्यूम हो है वो 140 रह जाए तो ठीक है ये यही चीज़ है उसके बाद ट्वेंटी क्या होगा हमें ऐसे ऐड करना है कि वन ट्वेंटी रह जाए ठीक है अब इट इज प्रिपेयर सबसे पहले फोर्टी ओपी देख लेते हैं इट इज प्रिपेयर बाय मिक्सिंग सेवन पार्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कोहल एंड वन पार्ट ऑफ प्योरीफाइड वाटर बोथ बाय वॉल्यूम और फिर जो हमें मिलता है रेक्टिफाइड स्पेयर वो फोर्टी डिग्री ओपी स्ट्रेंथ का होता है ठीक है अब रेक्टिफाइड स्पिर ट्वेंटी डिग्री ओपी इसमें क्या है इट इज प्रिपेयर बाय मिक्सिंग सिक्स पार्ट स्ट्रॉन्ग एल्कोहल और टू पार्ट प्यूरफाइड वाटर बोथ बाय वॉल्यूम फिर रेक्टिफाइड स्पिर जो हमें बनता है वो मिलता है ट्वेंटी डिग्री ओपी का ठीक है और एक और चीज इट कंटेन सिक्सटी पॉइंट एट फाइव परसेंट वेट ऑफ स्ट्रांग एल्कोहल ठीक है तो ये स्ट्रांग एल्कोहल से परसेंट का कंटेन करता है मतलब स्ट्रॉन्ग एल्कोहल का ये 60.85 परसेंट है बाय वेट अब एक और टर्म है बहुत छोटी सी मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या होता है तो मिथाइलेटेड स्पिरिट बहुत इजी सा है डिनेचर्ड स्पिरिट uh, को या जो चीज़ हमारे ह्यूमन कंजम्पन के लिए सही नहीं है उसको कहते हैं क्योंकि मेनली जो अल्कोहल होता है उसको बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया जाता है तो इसलिए हम अल्कोहल को अनफिट कर देते हैं ह्यूमन कंजम्प्शन के लिए और उसके अंदर कुछ पॉइजनस या बैड स्मेलिंग सब्सटेंस डाल देते हैं जिससे वो अलग हो सके ऑल दो हम जब उसमें मिलाते हैं ना वो चीज़ तो वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए तो मतलब डिस्कार्ड करना पड़ता है कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो सही नहीं होता लेकिन हम उसको फिर भी इंडस्ट्रीज में मेडिसिन या कुछ डिस्पेंस करने के लिए छोटी मोटी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं तो ये इसका एक एडवांटेज है उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हम क्या क्या चीज करके डाल के उस चीज को हम खराब करते हैं अंदर नॉर्मल एल्कोहल को सबसे पहले मिथाइल अल्कोहल आपको पता होगा मिथाइल अल्कोहल बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है उसके अलावा बेंजीन ये भी शायद हमारे खाने पीने के नहीं होगा फिर बोन ऑयल होता है फिर पिरीडीन होता है पिरीडीन आपको पता होगा एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसके अलावा ये चीज़ें डाली जाती है उसके अलावा हम थोड़ा सा कलर भी उसमें मिक्स कर देते हैं जिससे वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो पाए नॉर्मल एल्कोहल से ठीक है तो ये था मिथाइलेटेड स्पिरिट तो बस ये था ये हमारा पूरा चैप्टर व्हीकल्स पर ख़त्म हो गया है मतलब पूरा चैप्टर तो नहीं मतलब मैंने पूरा एल्कोहल कंप्लीट करवा दिया क्योंकि जो वो चीज मुझे बहुत टफ लगती थी और मुझे लगता था कि ये सबको लगती होगी तो ये मैंने चीज कंप्लीट करवा दी इसके बाद मैं शायद लेजिस्लेशन पे कोई यूनिट लेके आऊं या पोसटोलॉजी मैं देख लूँगी और अगर आपके पास कोई है क्वेरी या कोई चीज आपको समझनी है और चाहते हो कि ये चीज़ मैं पहले कंप्लीट करवाऊँ तो आप मुझे बता देना ऑल दो तो थोड़ी वीडियो लेट आ रही है क्योंकि अभी हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो दैट्स बाय पर नन uh, लेस मैं बनाती रहूँगी वीडियोज़ और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाईज़ बाय